हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SMK गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किन किन पौधों की कटिंग लगा सकते हैं और उन पौधों की कटिंग बहुत ही आसानी से चल भी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने कुछ पौधों की कटिंग लगा कर रखी है और दोस्तों, इन पौधों की कटिंग बहुत ही ईजिली चल भी जाती है। जो भी कटिंग मैंने यहाँ लगा कर रखी है वो सभी चली हुई है। ये देखिए, मैंने सभी जो पैकेट खाली होते हैं उन्हीं पैकेटों में मैंने ये सब कटिंग लगा कर रखी है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक प्लास्टिक की बोतल को कट करके उसमें लगाया और ये भी मैंने प्लास्टिक की बोतल में ही लगा के रखी है। ये देखिए, ये मेरी मोगरा की कटिंग है और इस कटिंग में देखिए कितनी छोटी सी कली भी बनी हुई है, तो ये कटिंग भी खूब आराम से चल गई। और दूसरा दोस्तों, मैं इस पौधे का नाम भूल गई, और दोस्तों इसकी भी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। और ये दूसरा मेरा गुड़हल का और ये कोलियस का, दोस्तों मैंने जितनी भी कटिंग लगाई है ये कटिंग मेरी सारी चली हुई है। और दोस्तों, मैं आपको अभी मेरे गुड़हल की कटिंग दिखाऊंगी, जो दूसरी कटिंग मैंने लगा रखी है। ये देखिए, इसमें पहले भी एक फूल खिला था और अभी देखिए इसमें छोटी सी कटिंग है और इसमें एक, ये देखिए कितनी छोटी सी कली भी आई है, ये देखिए। तो दोस्तों, जब हमारे पास ये पौधे हैं तो हम बाहर से क्यों ख़रीद कर लाएं, अपने पौधों से ही हम इनकी कटिंग लगाकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मेरा ये वाला पौधा है, इस पौधे की मैंने जो पहले कटिंग लगाई थी उसी से मैंने ये दूसरी कटिंग लगाई है। ये देखिए, ये मेरा जो पहले मैंने कटिंग लगाई थी वो पौधा मेरा कितना बड़ा हो गया है और इसी की दूसरी कटिंग मैंने दोबारा लगाई है, तो इससे हम अपना दूसरा पौधा भी तैयार कर सकते हैं। और इधर मैंने स्पाइडर की भी कटिंग लगा कर रखी है। और चलिए, अभी मैं आपको अपनी कोलियस की और कटिंग दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कटिंग भी खूब अच्छे से चल गई है।